तो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, ठीक है। टोटली ए टू जेड करेंगे कंप्लीट, इसको ध्यान से देख लियो। जितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, चाहे एजर्सन रीजन टाइप है, चाहे केस बेस्ड स्टडी है, चाहे वैसे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, सब कुछ इसी में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये टॉपिक है आपके जो हम करेंगे अभी कंप्लीट, पॉइंट वाइज चलते जाएंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉजी सीरीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो भाई एटॉमिक नंबर 6 है, आपको बेसिक सी बात पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-4 होती है, ठीक है। ये चीजें तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने हैं, 4 है, तो क्या करेगा, या तो 4 गेन करेगा या 4 लूज कर लेगा, ठीक है। अगर आप गेन करते हो 4 इलेक्ट्रॉन लगाए, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन टू होल्ड एन 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद प्रोटॉन तो उतने ही रहोगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता। सेम केस में अगर 4 लॉस कर दिए, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4+ कैटायन। देखो अगर गेन करता है तो माइनस आता है, अनायन हो गया, अगर लॉस करता है तो कैटायन हो गया, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दोनों केस फेल हो जाए, हो गए। ये क्वेश्चन आया था एक बार, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, क्या रीजन है ऐसा कि वो लॉस और गेन नहीं कर सकता, तो उसका रीजन पता चल गया। दोनों के पॉइंट, दोनों पॉइंट ये आप बता सकते हो, अभी एग्जाम में आया तो आप चल जाएंगे। अब कहता हूं ये थोड़ा सा उसके बारे में लिख रखा है, therefore in order to overcome this problem carbon shares its valence so ye shares its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements। main baat ye hai kehne ki carbon jo hai na sharing karta hai, kya karta hai sharing, aur jahan pe sharing hoti hai usko bolte hain covalent। ko pad lena hai कि मैं ऐसे थ्योरी पढ़ाऊंगा वर्ड टू वर्ड, तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा चैप्टर करना है। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल क्या है, तो फॉर्मेशन इसकी H2 किससे बनी हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग हुई है इसके अंदर, किसकी शेयरिंग हुई है, आपस में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितनी, हाइड्रोजन की 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्या करने के लिए, कि शेल कंप्लीटली फिल करने, इसलिए जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो करते हैं शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, आपस में करेंगे क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे, और वो क्या करेंगे, अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हीलियम। 2 हाइड्रोजन जुड़ के क्या कर लेंगे, वो हीलियम के नजदीक पहुंच जाएंगे, हीलियम के नजदीक उसकी तरह बनने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का, 2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब जो H2 बना है, दो H2 बना है, ये एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, तो ये हो गया H2। तो ये जो है किसकी तरह काम करेगा, अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, हीलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये होता है स्टेबल कंडीशन, इसमें हुआ है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग यूज। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या, एक लाइन खींचते हैं हम, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, क्लियर है बात, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, 3 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सिंगल डबल और ट्रिपल, ये आपको पता बेसिक सी बात है, ठीक है, यानी कि नाम रखे जाएंगे आगे। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन बताइए, क्लोरीन की फॉर्मेशन बताइए, कैसे बनाया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने जुड़े हैं, 2-2 जुड़े हैं, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है भाई बताओ, ये बना दिया इसने, क्या बना दिया इसने, बना दिया हमारे पास ये। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, कॉन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1,
कितनी शेयरिंग करेगा, एक ही शेयरिंग करेगा। जब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और, तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको क्या करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो बन गया ये, तो कौन सा बॉन्ड आया इसमें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया यहां तक। अब आगे चलते हैं ऑक्सीजन में, सिंगल सिंगल के दो देख लिए हमने, अब देखेंगे हम डबल रिंग का, किसका मॉलिक्यूल बनाना हमने, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल बनाएंगे हम, फर्स्ट में दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड में छह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे, बहुत आसान चीज होगी अगर पूछ लिया तो ये चीज। तो आपको एलिमेंट्स भी पता होने चाहिए 30-40 तक, इसका एटमिक नंबर क्या है, जो कॉमनली यूज हो रहे हैं ज्यादा उनके बारे में ज्यादा ध्यान रखना, जो ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब यहां बात आती है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसके बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग आई। क्यों आई, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। पीछे हमने देखा था, ऊपर ध्यान से देखना, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक इधर वाले का, एक इसका और एक इसका, शेयरिंग हो रही है आपस में। लेकिन जब नीचे देखेंगे हम, इस पार्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अब की बार चार, दो ऊपर दो नीचे, ठीक है, तो दो इसके हैं और दो इसके हैं, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यहां कितने हो गए, चार हो गए, ट्रिपल में कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। बात क्लियर है, ये भी पूछ सकता है आपसे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ठीक है, एक बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा होता है, मानते हैं, ठीक है, याद रख लेता है हमारे। फिर बात आती है नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सिंगल देख लिया, डबल देख लिया, आप ट्रिपल बॉन्डिंग देखेंगे। ट्रिपल बॉन्डिंग में पहले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देख लो आप, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने चाहिए हमें, तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बीच वाले हिस्से में क्या आ गया, छह आ गए टोटल। छह इलेक्ट्रॉन में क्या होता है हमारी, टू से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, ट्रिपल बॉन्डिंग। अब आगे फॉर्मेशन ऑफ मिथेन, इसकी फॉर्मेशन, मिथेन की फॉर्मेशन, मिथेन क्या होता है, ये सारे के सारे जो जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये आपने बात ध्यान रखनी है, जहां कार्बन होता है हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसको समझो आप ध्यान से, ये जो मिथेन की फॉर्मेशन हुई है इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसका क्या मिल गया, स्ट्रक्चर। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में ये बड़ा हो गया, वैसे स्ट्रक्चर बोले तो ये बनाओगे, फॉर्मूला पूछे तो CH4 फॉर्मूला, ठीक है। अब बात आती है कुछ पॉइंट्स पढ़ने की, मिथेन आल्सो कॉल्ड मार्स गैस, क्या बोलेंगे इसको, मिथेन को, ये CH4 होती है, इसको बोलते हैं मार्स गैस, और इसको यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। ये मेजर कंपोनेंट है किसका, CNG का, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तीन चार क्वेश्चन आ गए एक ही के अंदर, इसी को बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ नाम बताने हैं आपने, कंपाउंड्स के नाम, ये जो लिखे हुए हैं, अमोनिया NH3, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, ये रिमूव हो गया है शायद, तो ये एसिड का जो है ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर जो है एनसीईआरटी बुक में आपको क्लियर दे रखा है, अगर आप वहां देखना चाहते हो देख सकते हो। तो अब फॉर्मेशन ऑफ सल्फर आप एनसीईआरटी बुक से देख लेना, ये रह गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपसे पूछे कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है,
तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसके अपोजिट एक और टाइप की बॉन्डिंग होती है, अगर आपने सुना हो कोवेलेंट बॉन्डिंग को छोड़ के आयोनिक बॉन्डिंग, उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन गया आपके लिए। फिर बात आती है, नोट करते रहो कॉपी में अगर ऐसा कुछ लगे कुछ वैसी बात है। ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है इसके अंदर, उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, किसमें आयनिक बॉन्डिंग। ये डिफरेंस है इसके बीच का, मेटल मेटल चैप्टर में आ सकता है। उसके बाद है एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्मड इन दिस कंपाउंड, उसमें चार्ज पार्टिकल बनते हैं, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनते और ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बैक एटम्स के बीच। ठीक है, आइए बढ़ो। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कार्बन के, एलोट्रोप जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसके एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में। कार्बन बहुत सारी फॉर्म से प्रेजेंट है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों इनकी, एक सेकंड, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है बिल्कुल। डायमंड की बात करो तो बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट लाइटर होता है डायमंड से, स्लिपरी टिकना सा होता है। ये नॉन कनेक्टर है, वो कनेक्टर है, ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, ये ग्रेश ब्लैक कलर का ओपेक होता है। ये यूज होता है कहां, कटिंग करने के लिए, चोर यूज करते हैं इसका जेब कतरे, ये बहुत काट देता है किसी चीज को आसानी से, या ग्लास कटिंग में होता है, जैसे कांच काटे जाते हैं ना, ये कांच की स्लैब काटी जाती है जो डायमंड से काटी जाती है। लेकिन वो लोग सर डायमंड कहां से लाएंगे, वो तो बहुत छोटा सा टुकड़ा लाया जाता है, वो स्पेशल उसके लिए पर्पज के लिए खरीद लेते हैं वो लोग। ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ज्वेलरी में यूज डायमंड का यूज करते हैं। इसका लुब्रिकेंट में होता है, इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर होता है, टू मेक कोर ऑफ पेंसिल, पेंसिल के जो डक होता है उसका उसमें यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फुलरिन भी कार्बन से ही बना होता है, C60 का फॉर्मूला है और बंक मिनिस्टर फुलरिन के नाम से पड़ा था और इसको जाना जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है C60। इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स होते हैं, कितने होते हैं 60 कार्बन एटम। इसके टाइप का होता है, ये फुटबॉल के टाइप का होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, फुटबॉल टाइप का। उसके बाद है कार्बन के इतने जलवे क्यों आ गए, मतलब इतनी चीजें क्यों बनी हुई कार्बन से, इसके नेचर के कारण, इसकी प्रॉपर्टी के कारण, इसकी दो प्रॉपर्टी है इनको ध्यान रखना। ठीक है, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये दोनों एक ही में आते हैं लेकिन अलग अलग लिख सकते हो आप इनको। कैटिनेशन में क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खुद भी जुड़ जाता है दूसरे एटम्स के साथ, जुड़ जाता है, लंबी चेन बना देता है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन बना देता है, ये अलग अलग टाइप की चेन आ गई है, लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन रिंग्स बना देता है ये। और मैक्सिमम कैटिनेशन जो है पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, ये दिखाता है किसी कारण, स्मॉल साइज के कारण और कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के कारण बहुत लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। उसके बाद टेट्रावेलेंसी जो है हमारा ऑफ कार्बन, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार वैलेंसी है उसकी। ठीक है, ये बॉन्डिंग करने में कैपेबल होता है, पेयरिंग करने में भी कैपेबल होता है, किसके साथ, चार अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ या दूसरे मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ। मोनोवेलेंट कौन से होते हैं, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट जो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी, हमने देखा ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इसको, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन से बने हुए हैं। हाइड्रोकार्बन उसी के अंदर आता है, इसमें आता है हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आता है। तो एक कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में सिर्फ कौन सा आता है, एल्केन्स आता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 आएगा, तो दिखा देंगे आपको CnH2n+2, और इनका फॉर्मूला आएगा CnH2n CnH2n-2। क्लियर है, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए आपको। जो मिथेन का फॉर्मूला आया था पीछे, वो इसी से बना था, पहले वाले फॉर्मूले से, एल्केन वाले से। अब बात आती है नाउ एल्केन्स, एल्केन्स, एल्काइन्स, इनके बारे में पढ़ने की।
तो ये आपने पढ़ लेने, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एल्किन्स में पॉइंट याद रखना, एन जो है एक से बड़ा ही होगा, एक से छोटा नहीं होगा, ना ही एक होगा, ठीक है। इनको एल्किन, देखो एल्किन का एक नाम और है, इसको ध्यान से देख लेना, पैराफिन्स। क्या बोलेंगे इसको? पैराफिन्स। और एल्किन्स को ओलिफिन्स, ठीक है। और इसमें ये फॉर्मूला आपको बता दिया है, इसमें एन की वैल्यू आप कम से कम एक से ज्यादा रखनी पड़ेगी, आपको एक नहीं रखोगे, एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी चाहे कितनी भी हो, एक नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसका रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है इसका। एल्काइन्स जो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको एल्काइन्स ही बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी यही कंडीशन है, एन एक से ज्यादा ही होना चाहिए। जो मिनिमम नंबर ऑफ, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे दो। किस किस के लिए? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। कितने होंगे? दो। दो से कम लेंगे नहीं डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहां बात आती है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नामकरण, मतलब हम नाम रखेंगे इसका, अब आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू, प्रीफिक्स सुफिक्स। मिथेन बना था, मिथ जमाइन से बना था, वो किससे बना था? मिथेन बना था मिथ प्लस एन से। आगे वाला नाम प्रीफिक्स, पीछे वाला सफिक्स। आगे वाला नाम किसके अकॉर्डिंग होगा? कार्बन की वैल्यू के ऊपर। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट है, ये तक है, ठीक है। इनको याद कर लेना, C1 C2 C3 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सफिक्स जो होता है पीछे वाला, पीछे वाला लगेगा भी जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने उनके अकॉर्डिंग, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। एल्केन का ये एन लग जाएगा, मिथेन में क्या लगा? एन लग गया ना, तो इसका मतलब कौन से फॉर्मूले को फॉलो किया इसने? इस फॉर्मूले को फॉलो किया है। मिथ क्यों आया? कार्बन एक था इसलिए। और एन क्यों आया? क्योंकि मिथेन से, एल्केन से बना ये। उसके बाद बात आती है सुफिक्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये आप पढ़ लेना, आप जो भी चाहो करना, ठीक है, देख लेना इसको। उसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं C2H4, कार्बन दो है, H हाइड्रोजन चार है। हम क्या करेंगे इसमें? इथ जो है इसका प्रीफिक्स होगा। इथ क्या होगा? इसका प्रीफिक्स होगा। क्यों होगा इथ प्रीफिक्स? क्योंकि कार्बन कितने हैं? दो हैं, और हमने पढ़ा था ऊपर मिथ इथ, ठीक है, तो इथ दूसरे नंबर पे आया था। उसके बाद हम एन जो है ना टू रखेंगे, किसके अंदर रखेंगे? CnH2n के अंदर। अगर हम इसमें रखते हैं कार्बन दो है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया C2H4 आ गया। इसका मतलब किसको फॉलो करके बना है ये? एल्किन को। एल्किन को फॉर्मूला मतलब फॉलो करके बना है, तो इथ जमा इन इथीन बन जाएगा इसका नाम, इथ जमा इन इथीन बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन पांच ले लेंगे हम, पेंट जमा इन, तो क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। किसको फॉलो किया इसने? एल्किन ग्रुप को। उसके बाद है CH3 CH2 CH3, ये देख लो ध्यान से, इनको क्या किया है? अब ध्यान से, कार्बन कितने हैं? एक दो तीन, तीन कार्बन है, यानी कि यहां पे लिख सकते हो आप C3। हाइड्रोजन कितने हैं? तीन दो पांच और तीन आठ। C3H8 है, फॉर्मूला बनेगा प्रोपेन का। किसका बनेगा? प्रोपेन का। हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, इसको ध्यान रखना ये बात, CH3 CH2 CH3। C3H4 आ गया, कैसे आया होगा? फॉर्मूले में रखोगे, किसके फॉर्मूले में? एल्काइन के फॉर्मूले में, तो प्रोप जमा आइन प्रोपाइन, ठीक है। ये नेमिंग आपने समझनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन आया है, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कैसे करोगे आप? तो आप इसमें लिखोगे, ये सारे पॉइंट लिख दोगे आप इसमें, ठीक है, और ये आप पता कर लोगे कि एल्किन ग्रुप को फॉलो करता है एल्किन को या एल्काइन को, फॉर्मूले से पता चल जाएगा आपको, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा भी कौन सा ग्रुप लग रहा है इसमें। और फिर आपको पता चल जाएगा कि एल्किन है तो सिंगल बॉन्ड है, एल्किन है डबल बॉन्ड है, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका क्या बना दोगे? स्ट्रक्चर बना दोगे। इतने पॉइंट पढ़ लेना बच्चों, क्या लिखना इसमें ध्यान से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं C3H8, ये बना दिया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बना दिया हमने, प्रोपेन से बना हुआ था ये। फिर डबल बॉन्ड है इथीन है, तो ये बना गया, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड में ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, ये कुछ पॉइंट लिख रखे मैंने साथ के साथ,
ट्रिपल बॉन्ड में दोनों में से किसी भी जगह लगा सकते थे, बस ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन लगाते हुए एक बात ध्यान रखना है कि कार्बन के चार से ज्यादा बॉन्ड ना बन जाए। ये तो आपने हर एक बॉन्डिंग में ध्यान रखना है कि कार्बन के चारों तरफ जो है ना कितने होने चाहिए बॉन्डिंग, सिर्फ चार ही होनी चाहिए। तो काउंट कर लो आप ध्यान से, कार्बन यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो तीन ये एक ये चार हो गया इसका पूरा कोटा, ठीक है। उसके बाद दोबारा इधर से तीन और एक चार, इस कार्बन का हो गया पूरा कोटा। ये रीजन देख लो ध्यान से कहां बता रहा हूं आपको, इस कार्बन की देखो एक दो तीन चार हो गए ना पूरे चार। तो हर एक कार्बन जो है अपनी चार बॉन्डिंग करेगा पूरी, इस बात को अपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं गड़बड़ हो जाए बस, बाकी आप वही रख दो। उसके बाद तो आपके सामने कुछ फॉर्मूले बने हुए हैं या आपने बना के देख लेने हैं, ठीक है। बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपाइन, इनकी बॉन्डिंग, इनका स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। आप इनको रिवाइज कर लें। फंक्शनल ग्रुप आ गया, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, कैसे आप इसको समझोगे? तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। तो सीबीएसई 16 में पूछा गया था ये। और नोमनक्लेचर जो फंक्शनल ग्रुप होता है प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, वो इंडिकेट करता है कि इसको नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और सफिक्स गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। अब देखिए आप ध्यान से इस नेक्स्ट पेज को, प्रीफिक्स में क्लोरो ब्रोमो लग गया तो ClBr लग जाएगा, या आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल दे रखी है उसको ध्यान से देख लेना, ये कटी हुई है टेबल बताओ, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी वहीं से, ठीक है। तो नोमनक्लेचर के लिए प्रीफिक्स प्लस हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन प्लस सफिक्स, ये दो चीजें लगेगी। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जब आप वहां पे देखोगे, जब मैं प्रीफिक्स वाली लाइन को यूज करूंगा यानी कि इसको यूज करूंगा तो ये आएगा आगे, यानी क्लोरो पेंटेन क्लोरो हेक्सेन ऐसे बनेगा। लेकिन अगर मैं लूंगा सफिक्स वाले को, ये लग गया पीछे, तो पीछे मतलब पहले आगे हाइड्रोकार्बन आएगा जो भी आपके पास है, उसके पीछे ऑल लग जाएगा, जैसे एल्कोहल है मिथेनॉल है, तो मिथेन जमा ऑल मिथेनॉल हो गया, ठीक है। ये लगेंगे पीछे और ये लगेगा आगे, ये ध्यान रखना। प्रीफिक्स सिर्फ एक ही है, बाकी सारे सफिक्स हैं, ठीक है। एल्डिहाइड है आपका, कार्बोक्सिलिक है, ये सारे ध्यान से आपने एनसीईआरटी बुक में टेबल दे रखी है बच्चों, वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सफिक्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, कुछ बना के देख सकते हो आप इनको, प्रीफिक्स के भी हैं और सफिक्स के भी हैं, ठीक है। CH3Cl, CH3CH2OH, इथेनॉल हो गया, क्लोरोइथेन हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, स्ट्रक्चर नेमिंग साथ में। अब आ गया हमारा अगला पॉइंट, हो गया होमोलोजस सीरीज। भाई एक ऐसी सीरीज होती है जो सेम डिफरेंस होता है, जैसे एपी होती है ना मैथ के अंदर एपी, ऐसे नहीं होती, सेम गैप मिलेगा और गैप होता है CH2 का। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, ध्यान से देख लो, ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, सारे के सारे एक ही फॉर्मूले से बनेंगे। दूसरा पॉइंट है टू एडजेसेंट मेंबर्स, ये जो डिफरेंस किसका होगा, CH2 ग्रुप का होगा। तीसरा पॉइंट है, यानी कि देखो CH4 और C2H6 के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 का देख लेना चाहिए, और उनके बीच में गैप कितना है 14 U का यूनिट का। उसके साथ साथ अगली लास्ट प्रॉपर्टी है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम अलग अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये पॉइंट याद रखना, होमोलॉजी सीरीज के अंदर आ सकता है आपसे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, जिनकी आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है भाई, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग फॉर्मूला सेम। जैसे ये है स्ट्रक्चर, देखो अलग अलग है ना बट फॉर्मूला इनका सेम है, क्या C4H10, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। जैसे आपने आइसोपेंटेन पढ़ा था ना, ठीक है, वो वही कंसेप्ट है।
स्ट्रक्चर हो गया आपका अलग अलग, फॉर्मूला है आपका सेम। सब इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आइसोटोप्स में तो मास की एटमी नंबर की बात की जाती है, ध्यान रखना ये बात, आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है। सब इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल है, इनकी प्रॉपर्टी है, इथेनॉल का फॉर्मूला देख लेना, CH3CH2OH लिक्विड है ये, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और इसको यूज किया जाता है एल्कोहल, इसको एल्कोहल बोला जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये गुड सॉल्वेंट होता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, टिंचर में यूज किया जाता है, आयोडीन के इसमें कफ सिर्फ खांसी की दवाई बनाने में यूज किया जाता है, बहुत सारे टॉनिक बनाने में यूज किया जाता है, खांसी की दवाई में होता है ये। बनाया कैसे जाएगा, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम सुगरेन जूस, ये लगभग लगभग मैं आपको बता दूं, जो गांव के अंदर देसी तरीका होता था एल्कोहल बनाने का, सेम प्रोसेस होती है उसकी, ठीक है। अगला है केनोइक एसिड, CH3COOH कॉम्पाउंड एसिटिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पानी 5-8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर आप पानी के अंदर 5-8% क्या डाल दोगे, इथेनोइक एसिड डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। इसका यूज किया जाता है पिकल्स अचार के अंदर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। इसका फ्रीजिंग फ्रीजिस ड्यूरिंग विंटर, ये सर्दियों में जम जाता है, क्या, इथेनोइक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट भाई कम होने के कारण जम जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड, कौन सा एसिड होता है वीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ फॉर्मूले हैं भाई, कुछ प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम कैसी है देखो, इसको देखो, एसीटोन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, प्रोपेनॉल है, इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये आए हुए हैं इसलिए आपको बताया गया है। उसके बाद फ्रोजन एसिडिक एसिड, उसको बोलेंगे हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड, यानी कि फ्रोजन फॉर्म में अगर एसिटिक एसिड है तो उसका दूसरा नाम क्या है, फिर ग्लेशियल एसिटिक, ग्लेशियल याद रखना, ग्लेशियर होते हैं बर्फ के बड़े बड़े, है ना। तो ये CH3COOH फॉर्मूला होता है इसका, डीनेचर्ड एल्कोहल, इसका मतलब क्या होता है, कंजप्शन एल्कोहल की ज्यादा मात्रा में लेना हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत नुकसानदायक होता है, लीवर खराब हो जाता है उससे, नर्वस सिस्टम हमारा काम करना उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ड्रोसिनेस। Therefore, in order to stop misuse of alcohol, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol, pyridine, etc. and colored substances like dyes. Such alcohol is called denatured alcohol, जो कि खतरनाक होती है हमारे लिए। तो अब आगे इसके क्वेश्चन, कंबस्शन, इसके अंदर एक रिएक्शन आती है जो कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी कार्बन की, ठीक है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में आ सकता है वो, तो आप ये ध्यान रखना, कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन और कंबस्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, तीनों में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तीनों के फॉर्मूला इक्वेशन ध्यान से देख लेना। फ्लेम का नेचर कैसा होगा, अलग अलग कलर की होती है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है तो कलर होगा ब्लू, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है तो कलर होगा थोड़ा सा येलो टाइप में, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। केरोसिन क्या होता है, जब बर्नट होगा तो क्या होगा, केरोसिन एक सैचुरेटेड फ्यूल है, तो क्लियर बिटवीन फ्लेम, सम हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, नेप्थेलिन बर्न विद शॉर्टी फ्लेम, उनकी फ्लेम अलग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आप पढ़ना है अपने ध्यान से, ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल आ गया भाई, तो इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, ये KMnO4 है जो पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक तरह से क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन आ गई आपकी, बहुत बार पूछी गई है, देखो नोट्स में नहीं थी ये मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए बताई जाती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आ गई है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल है, एक ही चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड है, उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, फिर आ गया सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके दो सिरे होते हैं मॉलिक्यूल के, मिसाइल फॉर्मेशन भी आपको दिखा दी जाएगी, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, ये सारे पॉइंट आपने पढ़ने हैं भाई, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये केमिस्ट्री के अंदर, ये क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, जो भी है इनको ध्यान से देख लेना और इनको कर लेना, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा आपका पूरी इस वीडियो से, वीडियो को रोक के पढ़ लिया करो, थोड़ा सा बीच में समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है।
शायद मैंने सारा पढ़ के ना बताया आपको, लेकिन आपने पूरा पढ़ना है ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठना है, नया पॉइंट पता चलता है तो उसको नोट भी करना है। अदर्सन रीजन आ गई साथ में, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ खत्म आपका।